नमस्कार भारत, गुजरात की धरती, हेरिटेज रिच लैंड। यहां हजारों साल पहले बसी द्वारिका जैसी पौराणिक नगरियां भी है और सोमनाथ जैसे प्राचीन तीर्थ भी, पर इससे भी पुरानी मतलब 5000 साल से भी पहले की संस्कृति का घर है गुजरात। वेलकम टू धोलावीरा, वेलकम टू द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इस प्राचीन शहर के अवशेषों के बीच योग की सदियों पुरानी सभ्यता को जीवित करते हैं। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुजरात के 75 स्थानों पर होगा योग, जुड़ेंगे लाखों लोग। आप भी योग करें, फिट रहें। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का पांचवा सबसे बड़ा महानगर है और उससे भी प्राचीन हमारा योग है। जैसे सोशल स्टेबिलिटी सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान रही है, वैसे ही योग हमारे मेंटल और फिजिकल स्टेबिलिटी की। आज गुजरात की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट तैयार है भारत के प्राचीन योग परंपरा का स्वागत करने के लिए। धोलावीरा एक प्लान्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड शहर हुआ करता था। हमारे शरीर का एक एक अंग वेल स्ट्रक्चर्ड रह सकता है अगर हम नियमित योगाभ्यास करें। सबसे पहले करते हैं उत्थित जानु शीर्षासन। ये ब्रेन को शांत करता है और स्पाइन, हैमस्ट्रिंग्स और घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। त्रिकोणासन, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। मेरुदंडासन, जो हमारी रीढ़ यानी स्पाइन की ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। आज के मिलेनियल यूथ के लिए कौन से आसन करने जरूरी है? आजकल का जो भी यूथ है वो अपना ज्यादातर समय स्क्रीन पे बिता रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी आंखें भी कमजोर हो रही हैं और ज्यादा समय बैठने से उनकी डाइजेशन प्रक्रिया भी स्लो हो रही है। तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक आसन है जानु शीर्षासन करके, जिसकी मदद से वो अपनी जो भी डाइजेशन प्रक्रिया है वो तो तंदुरुस्त कर ही सकते हैं, अपनी जो पोस्चर है स्पाइन का उसे भी मजबूत कर सकते हैं और योग की वजह से वो अपना फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मेंटल एबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। धोलावीरा सिर्फ सिंधु सभ्यता के दूसरे शहरों के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देशों के साथ भी ट्रेड करता था और आज ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। आइए धोलावीरा और आसपास के अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स भी एक्सप्लोर करें, जैसे सफेद रण, काला डूंगर, लखपत फोर्ट, लखपत गुरुद्वारा साहिब, विजय विलास पैलेस, आईना महल और प्राग महल। कच्ची हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट देखना हो तो भुजौड़ी गांव आइए, इसीलिए गुजरात का गर्व है कच्छ। तो जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, और जिसने योग नहीं किया वो अब कर ले। आप भी योग करें, फिट रहें। जय हिंद।